क्या क्या चीजों का ध्यान रखना। अब जैसे एक्स या फोर की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी है तो आप अपने मन में ही पूरा इमेज बना लो ना। बताओ जीनोम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एट एट जो मैं बना रहा हूँ, जो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ, वैसा ही तुम लोग फॉलो करोगे, ठीक है? जीनोम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? वन वन एक की जरूरत है। तो पहले एक एक डंडा फ्लोरीन के साथ खींच दो, ठीक है? एक खींच दो, एक खींच दो, एक खींच दो, कितने खींच दिए? 4 खींच दिए। तो इसका मतलब जीनोम के आपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 बच गए। तो 2 लोन पेयर की फॉर्म में उनको दिखा दो, एक इधर दिखा दो, एक इधर दिखा दो। ये बनाओ, इस तरीके से बनाओ। और मैंने बोला था बॉन्ड पेयर भी लिखोगे, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितना हो गया? 2 हो गए, ठीक है? अब आपको जैसे XCOF इसको बनाना है, आपको XCOF2 को, ठीक है? तो XCOF2 को जब बनाने बैठोगे तो जीनोम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वही 8 है, वो छोड़ो, आप अपने दिमाग में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? 2 की। ऑक्सीजन की जनरल कोवेलेंसी 2 होती है ना, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत होती है। तो 2 डंडे ऑक्सीजन के साथ खींच दो। फ्लोरीन को कितने की जरूरत है? 1 की। दूसरे फ्लोरीन को कितने की जरूरत है? 1 की। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जीनोम की यूज कर लिए? 4 कर लिए ना, 2 ऑक्सीजन के साथ कर लिए, 1 एक फ्लोरीन के साथ कर लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 बच गए, ठीक है? तो यहाँ एक लोन पेयर दिखा दो, एक लोन पेयर यहाँ दिखा दो, ठीक है? तो बस ये इसका इलेक्ट्रॉन वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए, ठीक है? अब बताओ आप लोग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिए, मतलब मुद्दे की बात। बताओ XCO2F2 को बनाना हो तो, XCO2F2 को बनाना हो तो कैसे बनाओगे बताओ? जिन वही आप कितने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करोगे बोलो, कितने डंडे किसके साथ बनाओगे ये बोलो, बोलो भाई। जीनोन और ऑक्सीजन के साथ डबल और फ्लोरीन के साथ 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 बार डबल बनाओगे, ठीक है? दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बना दिए। फ्लोरीन के साथ क्या करोगे? सिंगल बनाओगे, 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बना दिए। कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए आप लोगों ने जीनोम के? 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। तो बचे कितने? 2 2 बचे। उसको एक लोन पेयर की फॉर्म में दिखा दो, तो आपका बॉन्ड पेयर भी काउंट हो गया, लोन पेयर भी काउंट हो गया। बॉन्ड पेयर हो गए 4 और लोन पेयर हो गया आपका 1, टोटल सम हो गया आपका 5, ठीक है? अच्छा उसी तरीके से आप मेरे को ये बताओ, मान लो SO2Cl2 का बनाना है, ठीक है? तो SO2Cl2 का बनाना है आपको, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी है, तो बताओ कैसे शेयरिंग करोगे? सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताओ? अरे सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है ना, ठीक है? हाँ तो 6 होंगे। अब बताओ इसको अपने मन में डिवाइड कर लो, दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या करोगे? डबल बॉन्ड हो, ठीक है? डबल बॉन्ड हो, ठीक है? और इस क्लोरीन के साथ क्या करोगे? एक क्लोरीन के साथ, एक दूसरे क्लोरीन के साथ, एक। अच्छा अब क्या सल्फर के पास कोई लोन पेयर बचा है क्या? No. नहीं बचा है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 6 ही तो होते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में, और वो आपने दिखा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसका सीधा सीधा बॉन्ड पेयर 4 बनेगा, लोन पेयर 0 बनेगा, ठीक है? और सम हो जाएगा 4, ठीक है? हाँ अब उसके बाद आप मान लो जैसे इसको बनाना होता है आपको SOCl2 को, तो कैसे बनाते बताओ? एक लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है? तो 4 मतलब बॉन्ड पेयर बन गए 3 और 1 हो गया आपके पास लोन पेयर, ठीक है? तो आपको इसी तरीके से किसी का भी करना हो कर लोगे। ऑड इलेक्ट्रॉन का करना हो मान लो, ठीक है? तो बताओ क्या करें? CLO2 का करना हो तो बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 7 होते हैं, और 7 होते हैं तो बताओ दोनों ऑक्सीजन का क्या करना है?
दोनों के साथ दो दो डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया आप लोगों ने? फोर। चार इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए तो बचे कितने? तीन। तीन बच रहे हैं, और तीन बच रहे हैं तो एक का आप लोन पेयर दिखाओ और एक को आप बोलो कि ये ओड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस केस में अगर आपको दिखाना होगा तो क्या दिखाओगे? इसका बॉन्ड पेयर लिखोगे दो, इसका लोन पेयर लिखोगे एक, लेकिन साथ में इसका ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लिखोगे, और इसका एक ओड इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो ये ClO2 जो होता है वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो जब इसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे, आप इस टाइप से शेयर करोगे, ऑक्सीजन दिखाओगे, ठीक है। हालांकि आप ये जो मैं अब बनवा रहा हूँ आपको, जो ये वाला तरीका है या ये वाला तरीका है, इस वाले तरीके को ज्यादा ध्यान में रखो। डायरेक्ट शेयरिंग कर दिया करो, ये दो की शेयरिंग हो गई, ये दो की शेयरिंग हो गई। नई मॉडर्न रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आपको किसका ऑक्टेट पूरा करना जरूरी होता है? सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट हर हालत में पूरा करना होता है। बीच वाले का ऑक्टेट पूरा हो, इनकम्प्लीट हो, ओड फॉर्म में हो, जैस मर्जी फॉर्म में हो, चलेगा, ठीक है। सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करके चलो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे ClO3 इसका पूछू, NO2 का, NO2 की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी थी या नहीं करी थी? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? पांच हुए। अब इन दोनों ऑक्सीजन का क्या किया जाए? डबल बॉन्ड, दोनों तरफ दो दो डबल बॉन्ड बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, ठीक है। और फिर कितना बच जाएगा? एक। कितना बच? एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये बनाए थे NO2 या नहीं बनाए थे? ये गलत नहीं होगा, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, टेंशन ले, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो NO2 है, मैं, मेरी आदत है गलत पहले बनाने की, क्योंकि बच्चे ज्यादातर वही बनाते हैं जो गलत होता है। तो यहाँ पे जो NO2 बनाया है, ठीक है, तो ये बहुत इन पीरियड सेंट्रल एटम में एक बार आंखें जरूर खोल लेना, ठीक है। थोड़ा सा एक बार नजर जरूर डाल देना कि कहीं सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड तो नहीं कर दियो, ठीक है। तो इस केस में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है या नहीं हुआ? हो गया है। कैसे हो गया? ये एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो दो चार दो छह दो, बोलो भाई। यस सर। नौ इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है। तो नौ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में ये दिक्कत नहीं थी, क्लोरीन में आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्लोरीन में जो बना दिया सही है, ठीक है। लेकिन NO2 में आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है और सेकंड पीरियड एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा? अब आपको दूसरा तरीका अपनाना होगा। आप यहाँ नाइट्रोजन लो, ठीक है, यहाँ वही बात है, दो, यहाँ एक और यहाँ दो, ठीक है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में पांच है, सो है, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी छह है, तो है। तो बताओ, यहाँ तो बराबर शेयरिंग चल सकती है ना, अभी तो कर ही सकता है, तो अभी तो एक ऑक्टेट एक्सपेंड थोड़ा ना हुआ। तो अब तो हो गए, इसका आठ पूरा हो गया इस ऑक्सीजन का, ठीक है, और इस नाइट्रोजन का कितना हो गया? सात हो गया, सात हो गया, भूतनी सात हो गया, लेकिन बराबर शेयरिंग कर देता तो नौ हो जाता। तो हम क्या करेंगे? इसका लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर, इसको सीधे सीधे ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे, और जब ऑक्सीजन को डोनेट, बताया था ना मजबूरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प लेनी है, तो अब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प लोगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था मैंने आपको? यस सर। हाँ, तो ये लोन पेयर की हेल्प लोगे, लोन पेयर को इसको सीधा सीधा डोनेट करोगे, ठीक है, और डोनेट करोगे तो अब इसका क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ? बोलो भाई। नहीं हुआ सर। और अगर उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तब भी मैंने बोला था आपको सीधे सीधे शब्दों में कॉपी पे यही वर्ड लिखवाए थे कि ऑक्टेट पूरा हो सेंट्रल एटम का चाहे ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए था नाइट्रोजन का, तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम रह जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिखोगे? इसको लिखोगे तो लिखोगे बॉन्ड पेयर इसका दो है, लोन पेयर इसका जीरो है, और इसमें एक क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों,
इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के लिए सम निकालना होता है, स्ट्रक्चर शेप के लिए निकालना होता है, तो वो मैं आपको जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इस ओड इलेक्ट्रॉन को कब लेना है और कब छोड़ना है। कई बार सम निकालने में लेंगे, कुछ बार इसको छोड़ देंगे, कब लेना है कब छोड़ना है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब करना। अब वैसे जो आपको जनरल मॉलिक्यूल डील करने होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्शनल केसेस है ना, वरना तो नॉर्मल मॉलिक्यूल का तो ओड इलेक्ट्रॉन का केस आएगा ही नहीं, तो इसलिए जनरल केस में आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम लेना होगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, NO2 कर लेने के बाद अब मैं आपको आयंस का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग समझा रहा हूँ, आयंस के केस में क्या करना होता है, ठीक है। ये जो लास्ट क्लास में आपको करवाया था मैंने, पहले मैं रूल रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहले बोल रहा था कि आप स्केलेटन ड्रॉ करोगे, ठीक है। स्केलेटन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद तीसरा पॉइंट था कि आप जुगाड़ लगा के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करोगे। इस तरीके से करोगे कि हर एक सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है। हर एक सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। और ऐसा करने में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कम रह जाए, एक्सपेंड हो जाए, पूरा हो जाए, सब चलेगा। हाँ, सेकंड पीरियड वाले केस में एक्सपेंड नहीं कराना आपको। अब बात आयंस की आती है, हमने आयंस का कुछ नहीं किया, तो अब आयंस वाले केस में सुनो। आयंस में ऑब्वियस सी बात है, या तो कैटायन होगा या एनायन होगा, दो दो में से ही कोई होगा, ठीक है। अब कैटायन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो कैटायन के केस में आप क्या बोलोगे, आपको इलेक्ट्रॉन हटाना है, कैटायन बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम। ऑब्वियस सी बात है आपको इलेक्ट्रॉन हटाना चाहिए, तो किससे हटाना चाहिए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम है उससे हटाना चाहिए, ठीक है। रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम। और अगर एनायन के केस में बात करूं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो आप किस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एड इलेक्ट्रॉन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन, अरे ये सेंट्रल एटम क्यों लिख दिया यार, एड रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे वो सेंट्रल है सराउंडिंग है जो भी है, आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और जब बात आएगी एड इलेक्ट्रॉन की, तो एड इलेक्ट्रॉन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जोड़ो, इलेक्ट्रॉन हटाना है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हटाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और लिखवाऊंगा जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अगर हिंदी में लिखवा रहा हूं, अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और हैलोजन है, अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और हेलोजन है, हेलोजन में वही फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और हेलोजन है, तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे ही ऐड करना है या सेंट्रल एटम से ही रिमूव करना है, सेंट्रल एटम पर ही ऐड करना है और सेंट्रल एटम से ही रिमूव करना है, ये लाइन पहले फॉलो करोगे आप, फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे। मेरे को बोलो साथ साथ क्या पढ़ रहे हो, क्या बताया जा रहा है इस रूल में, इस लाइन को पढ़ दो अपने साथ साथ दोबारा सारे के सारे एक साथ। अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन या हैलोजन हो तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर ही ऐड करना है और सेंट्रल एटम से ही रिमूव करना है। हाँ, मतलब अगर जोड़ना है, मान लो कैटायन है तो रिमूव करना है तो भी सेंट्रल एटम से रिमूव करोगे, और अगर एनायन है और जोड़ना है तो भी सेंट्रल एटम पे ही जोड़ोगे, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आप ध्यान रख लेना, पहले तो वो वैसे कोई बताने वाली बात ही नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ऑक्सी एनायन किसे बोलते हो, पहले भी अपने ये डिस्कशन में आया है और एक स्टूडेंट तो बार बार मेरे से पूछी थी, ऑक्सी एनायन किसे बोलोगे जिसपे माइनस चार्ज किस पे होगा,
ऑक्सी एसिड के ऑक्सीजन बनता है नहीं, हाँ ऑक्सी एसिड से बनता है तो ठीक है, तो उसमें माइनस चार्ज आता किस पे? तो ओ पे आता है, ऑक्सीजन एटम पे। तो अब जैसे सल्फेट है, जैसे नाइट्रेट है, ठीक है, या क्लोरेट पर क्लोरेट है, क्लोरेट है, या आपके पास फॉस्फेट है, ठीक है, बीओ थ्री थ्री माइनस है, कार्बोनेट है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इन सब में ये जो माइनस चार्ज है वो किसके ऊपर है? ये माइनस, ये माइनस किस पे बोलो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे है, ठीक है। तो यानी आपको ऑक्सीजन आयन में विदाउट डाउट, बाकी केस में तो चलो सोचेंगे भी, लेकिन ऑक्सीजन आयन में विदाउट डाउट आपको इलेक्ट्रॉन किस पे जोड़ना है? अरे बोलो, ऑक्सीजन पे जोड़ना है और किस पे जोड़ना है? माइनस चार्ज किस पे होता है इस केस में? ऑक्सीजन पे ही होता है ना, ऑक्सीजन आयन में इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो आप किस पे जोड़ोगे माइनस इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जोड़ोगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने शायद पहले भी बोला था, फॉर्मल चार्ज जब बता रहा था तब, ये जो माइनस चार्ज होता है वो एक तरीके का दुख दर्द होता है, मैंने ये बताया था आपको, बताया था माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई भी तरीके का चार्ज जो होता है वो एक तरीके का दुख दर्द होता है, ठीक है। तो इसको मिल बांट के चलाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, या ये सारा दुख दर्द एक ही केस से डाल दें तो सही रहेगा? ऑब्वियस बात है, ये तो जनरल चीज है कि भैया कोई भी दुख दर्द को बांट के रखोगे, मिल बांट के देख चलोगे तो ज्यादा सही है, ठीक है, सुख भी हो तो भी चाहे दुख भी हो, लेकिन ये तो दुख दर्द ही है। तो बताओ ये जो माइनस टू के नाम पे दो इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, क्या एक ही एटम पे जोड़ दोगे या अलग अलग पे जोड़ोगे? अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग पे जोड़ोगे आप। जैसे पीओ फोर थ्री माइनस है, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये तीन इलेक्ट्रॉन तीन अलग अलग ऑक्सीजन पे जोड़ोगे, जोड़ोगे ना? अच्छा अब ये बताओ एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? दो की, दो की, या दो बॉन्ड बना देते थे, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन उस पे जोड़ दोगे तो अब उसकी जरूरत कितने की हो जाएगी? एक की, क्योंकि एक तो आपने जोड़ ही दिया, हालांकि उसके जोड़ने से उस पे माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं एनायन के, आयन के केस में कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, छोटे से पॉइंट है, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको लेके एग्जाम्पल करा रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से करो, फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि पोर्टल से कौन कौन से लेक्चर देख डालो, क्योंकि ऐसे मैं देख रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो बर्बाद हो जाएगा, अदरवाइज इतने इतने लंबे दिनों में क्लास चलेगी तो, ठीक है, और आप लोगों के लिए सही नहीं है ये चीज। केमिकल बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छे से होगा तभी आपको केमिस्ट्री आएगी, तो आप यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मैं आपको ये करने को देता हूँ, ठीक है, मान ये दो एग्जाम्पल पहले करवाता हूँ। मान लो मैं एक, मान लो मैंने आपको दे दिया एनओ टू प्लस, ठीक है, एक मैंने दे दिया मान लो एनओ टू माइनस, तो बताओ नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पांच है। पहले तो जो रूल पहला और दूसरा था उसको चुपचाप लिख दो, सराउंडिंग एटम डिसाइड कर लो, सेंट्रल एटम डिसाइड कर लो, और हर किसी के इलेक्ट्रॉन दिखा दो, दिखा दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है? अब आप, अरे भैया पहले इलेक्ट्रॉन हटाना है ना प्लस के नाम से, यस सर, ठीक है, तो किसका हटाओगे, नाइट्रोजन का हटाओगे कि ऑक्सीजन का हटाओगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको बोला है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका हटा दो, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, तो चुपचाप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हटा दो, हटा दिया, ठीक है। अब हटा दिया, इसका मतलब इस पे क्या आ गया, प्लस वन आ गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के पास जैसे पांच इलेक्ट्रॉन होते थे उसकी बजाय अब ये कार्बन के जैसा हो गया, चार इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। अब बताओ इस ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? दो की। इसको कितने की जरूरत है? दो। और इस नाइट्रोजन को कितने की जरूरत है? चार। चार की है, तो आप सीधे सीधे इसके साथ डबल बॉन्ड बना दो, बना दोगे, और इसके साथ भी क्या करोगे, डबल बॉन्ड बना दोगे, कर लोगे? यस सर, ठीक है। तो अब ये आपके पास ऐसा होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और साथ में इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज इधर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा,
तो बॉन्ड पेयर कितने लिखे जाएंगे, दो लिखे जाएंगे। लोन पेयर कितना लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा। सम जो बनेगा वो दो बनेगा। अब बताओ एनओ टू माइनस को कैसे दिखाए, इसमें भी आप वैसा का वैसा दिखाओ। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। इस केस में इलेक्ट्रॉन किस पे जोड़ोगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे जोड़ोगे, वैसे भी ऑक्सीजन आयन में इलेक्ट्रॉन किस पे जोड़ना होता है, ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जोड़े तो इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, माइनस आ गया। जैसे इस पे प्लस आ गया तो वो प्लस साथ में दिखाना है, इस पे माइनस आ गया तो माइनस आ गया। अब बताओ इसको कितने की जरूरत है, दो, दो। और इसको एक की। तो जब ओ माइनस बोलोगे तो उसको एक की जरूरत है, और जब ओ बोलोगे तो उसको दो की जरूरत है, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करो, इसके साथ दो बना दो सीधा सीधा, ठीक है। और इसके साथ क्या करो, एक बना दो। और ये इसके साथ क्या दिखा दिया तुम लोगों ने, लोन पेयर, ठीक है। तो इसका लोन पेयर कितना है आपके पास, एक है, ठीक है। और इसका बॉन्ड पेयर कितना है बोलो, दो, दो है ना, भूतनी तीन। हम डबल बॉन्ड को भी तो सिंगल बॉन्ड पेयर ही काउंट करते हैं ना, सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हम लोग जो वी एस सी पी आर पढ़ेंगे उसमें बॉन्ड पेयर के नाम पे सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर को ही दिखाते हैं। तो ये टोटल सम कितना है, तीन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो आप वापस अपने उसी वाले तरीके पे आ जाते हैं। ये बताओ आपको सल्फेट बनाना है मान लो, ठीक है। तो बताओ यहाँ चार्ज कितना है, -2 है। और ऑक्सीजन कितने, चार। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसमें दो ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म के हैं, जो नॉर्मल ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। और दो ऑक्सीजन वो होंगे, आप अपने मन में कैसे तोड़ोगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दो ऑक्सीजन वो होंगे जिनके ऊपर एक एक माइनस चार्ज होगा, होगा ना। Yes. भैया चार ऑक्सीजन है तो दो तो नॉर्मल वाले ऑक्सीजन होंगे, और दो कौन से होंगे जिनके ऊपर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ चुके होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताओ अब आप इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करोगे तो इन इन दोनों ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, दो की जरूरत है। तो आप दो डंडे खींच दिए, इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, बताओ इन दो ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, एक की। तो यहाँ ओ माइनस पर हाँ फिर माइनस दिखाना होगा, और यहाँ भी ओ माइनस कर दोगे, जिसमें उसके पास 6-7 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस के पास एक शेयर हो गया, ठीक है। ये इसमें हो गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, दो यहाँ शेयर हो गए, और दो लोन पेयर आ जाएंगे, इसमें 3 लोन पेयर आएंगे। तो इस टाइप से इसकी शेयरिंग करके इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर लिख दोगे ना। यही काम करना है आपको, अपने मन में चलाना है सारी चीजें, मन में डिस्ट्रीब्यूट करना है चीजों को। पीओ 4-3 माइनस, बताओ कितने नॉर्मल ऑक्सीजन है और कितने ओ माइनस, ओ माइनस वाले 3 है, नॉर्मल 1। ओ माइनस वाले 3 है, सही बात है, और नॉर्मल वाला कितना है, 1 है। तो नॉर्मल वाले को कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 खींच दो, ठीक है। और बाकी 3 ओ माइनस के साथ, 1। अच्छा क्या फास्फोरस पे कोई लोन पेयर बचेगा, बोलो बचेगा क्या फास्फोरस पे कोई लोन पेयर, नो सर, नहीं बचेगा। फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, तो ये तो 5 हो गए ना, ठीक है। 5 हो गए तो उसके बाद आपको कोई और दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो कोई लोन पेयर वगैरह नहीं बचेगा आप इसके पास, ठीक है। उसी तरीके से आप मेरे को ये बताओ ClO2 माइनस, इसमें पहले से अपने मन में उसको डिसाइड कर लो कितना कौन सा ऑक्सीजन है और कितने को कैसे देना है, बोलो। एक नॉर्मल ऑक्सीजन है, एक O माइनस है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ क्या करोगे, डबल बॉन्ड बना दोगे, और जो O माइनस है उसके साथ क्या करोगे, एक सिंगल बॉन्ड माइनस कर दोगे उसके ऊपर। अच्छा अब क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। 4 बच गए, ये 3 लाइनों का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए,
जितने लाइन है उतने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो तीन यूज कर लिए तो बचे कितने, चार बच गए ना। ठीक है, तो इसका मतलब दो लोन पेयर की फॉर्म में उनको दिखा दोगे? यस सर। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया इसका, दो हो गया, और लोन पेयर कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, ये बताओ H3O+ बताओ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, उससे पहले आप इसको करो CF3- को बनाओ, CF3- और CH3+ को बनाओ। ठीक है, तो इस केस में बताओ मेरे को आप लोग कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, फोर है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने, सेवन है। अच्छा बताओ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फ्लोरीन? फ्लोरीन ही ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। yes. तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जोड़ना किस पे, कार्बन पे या फ्लोरीन पे? फ्लोरीन पे। तुम लोगों से मैंने स्टेटमेंट पढ़वाई भी थी कि इसको मेरे साथ साथ पढ़ो, ये लाइन दोबारा पढ़ो, क्योंकि इस लाइन में तुम बार बार गड़बड़ करोगे। क्या लाइन है बोलो, बोलो क्या लाइन है, पढ़ो नोट जो लिखा हुआ है रेड में। अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और हैलोजन हो तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर ऐड करना है और सेंट्रल एटम से ही रिमूव करना। तो CF3- में इलेक्ट्रॉन किस पे जोड़ोगे, कार्बन पे। कार्बन पे ही जोड़ोगे, और हटाना भी पड़ा ऐसे केस में तो कार्बन से ही हटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे CF3 में सेंट्रल सराउंडिंग एटम हैलोजन हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट नहीं जोड़ना है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे आप कार्बन पे, और कार्बन पे जोड़ोगे तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, और -1 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दो, कर दिया। कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर दिख रहे हैं बताओ? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। CH3+ ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन होता है, लेकिन आप किसका इलेक्ट्रॉन हटाओगे, कार्बन, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हैलोजन में जोड़ना भी कार्बन सेंट्रल पे होता है, हटाना भी सेंट्रल पे होता है, तो इसको हटाओगे और बदले में क्या आएगा आपके पास, +1 आएगा। ठीक है, और +1 आएगा तो आप इसके साथ एक की जरूरत है एक शेयर कर दो, इसके साथ एक की जरूरत है एक शेयर कर दो, इसके साथ एक की जरूरत है एक शेयर कर दो, कर दोगे? बोलो नलायक लोगो। यस yes. yes. बताओ बॉन्ड पेयर कितने, 3 है। लोन पेयर कितने, 0 है, और टोटल सम कितना हो गया, 3 हो गया। और आपको यहाँ दिख रही है क्या कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ इस केस में या नहीं हुआ? नहीं हुआ। 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और कार्बन कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता था, एस और पी होता है ना, सेकंड पीरियड वालों के पास एस और पी होता है वैलेंस सेल में, तो एस और पी के बेसिस पे वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता था, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता था। तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता था, तो CH3+ के केस में आप कह सकते हो इसका, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं, कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हुआ ना। yes, sir. कार्बन हैज वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, आप ये CH3+ में यहां से समझ सकते हो, और ये आपको ऑर्गेनिक वगैरह में बार बार जरूरत पड़ेगी जब भी आप कार्बोकेटाइन को डील करोगे। तो कार्बोकेटाइन को डील करेगा तो जैसे ही कार्बोकेटाइन आएगा वहां पे आपको पता चलना चाहिए कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और जैसे ही कार्बो एनायन आएगा तो वहां पे पता चलना चाहिए कि कार्बन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये CF3- हो गया और एक तरफ आपका CH3+ हो गया। कर लिया इस चीज को, बोलो
कार्बोकेटायन से उसी मतलब कार्बन एटम के जिसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या कह रहे हो कार्बोकेटायन से उसी कार्बन एटम कहेंगे जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो हाँ R प्लस R का मतलब एल्काइल और उसके ऊपर प्लस या सीधा सीधा CH3 प्लस कार्बन पे प्लस रहेगा वो कार्बोकेटायन हो जाएगा कार्बन पे माइनस रहेगा कार्बोनायन हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखो आप लोग अगर आपके पास ये चीज दे रखी हो ठीक है S3O प्लस अब आप वापस उस पुराने वाले तरीके पे आ जाओ इलेक्ट्रॉन दिखाने के बजाय आप पहले डंडे खींच लो बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छह होते हैं और प्लस के नाम पे इलेक्ट्रॉन किससे हटेगा ऑक्सीजन से हटेगा क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है और जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन या हेलोजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन आपको हटाना किससे सेंट्रल से और जोड़ना भी है तो सेंट्रल पे चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी मर्जी हो तो ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन थे प्लस के नाम पे अब कितने हो गए पांच हो गए ठीक है अब बताओ हाइड्रोजन के साथ कितने कितने की जरूरत पड़ेगी बोल नहीं रहे हो यार आप लोग एक एक हाँ तो हाइड्रोजन के साथ एक एक की जरूरत पड़ेगी एक एक दिखा दिया आपने अब उसके बाद इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे दो बच जाएंगे मतलब एक लोन पेयर बच जाएगा तो S3O+ की सिचुएशन क्या होगी बॉन्ड पेयर होगा तीन लोन पेयर होगा एक टोटल सम वापस वही हो गया चार कर लोगे हाँ अब एक काम करो पहले आप अपनी कॉपी पे खुद करो फिर मैं आगे करवाऊंगा ठीक है एक तो मुझे तुम लोग ClO3- की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बना के दिखाओ एक NO3- की शेयरिंग बना के दिखाओ और जल्दी से बनाओ ठीक है जल्दी जल्दी बनाना जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से कि किसको कितने की जरूरत है और उसको शेयर कर दो सर सर बोलो सर जो CF3 माइनस लिखे हैं सर कार्बन पे सर आप माइनस चार्ज लगाए और उसके नीचे लोन पेयर का सिंबल बनाया सर वो क्यों कहाँ पे कह रहे हो सर जो क्वेश्चन दिए थे अरे वो तो ये दो इलेक्ट्रॉन बच गए ना उसके चलते मैंने वहां पे दिखा दिया ऐसे ही सर ये दिखाना नहीं माइनस लिख दोगे तो भी चलेगा बस दिखाने की जरूरत नहीं ओके सर ClO3- और NO3- को दिखाओ करो जल्दी से बनाना है बना के बताओ इसको चलो ठीक है हाँ भाई आप अपने मन में डिवाइड कर लो चीजों को ठीक है छोटे बच्चों की तरह क्या करना बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सात यहाँ बताओ माइनस एक है और ऑक्सीजन तीन है तो नॉर्मल कितने है और माइनस वाला कितना है सिक्स एंड सेवन नॉर्मल कितने दो दो है तो दो नॉर्मल है तो दोनों के साथ डबल बॉन्ड खींच दो ठीक है और माइनस वाला कितना है एक है उसके साथ एक खींच दो कितने इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिए हैं पांच और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में होते कितने सात ना होते हैं सात दो इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा दो लोन पेयर
एक लोन पेयर बच जाएगा, दो लोन पेयर नहीं, दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, और हाँ यहाँ माइनस करना होगा आपको। तो बॉन्ड पेयर कितना बना इसका, तीन, लोन पेयर कितना बना, एक। अब बताओ जब NO3 माइनस की बारी आएगी, ठीक है, तो वही है, इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन कितने हैं और माइनस वाला कितना है? नॉर्मल तो नॉर्मल दो है, तो यहाँ डबल बॉन्ड खींच दिया, ठीक है, दूसरा भी है तो उसके साथ डबल बॉन्ड खींच दिया और O माइनस खींच दिया, यही बनाया, यही बनाया या नहीं बनाया बोलो। यस। हाँ, तो यही बनाओगे क्योंकि तुम्हें जो बताया जाए उस पे ध्यान नहीं जाता ना, एक ही छोटी सी बात है जो बार बार गलती होती है, लेकिन फिर भी वो गलती हम करते ही करते हैं, ठीक है। आपको बोला ना कि सेकंड पीरियड एटम के केस में ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, इस पे एक बार नजर जरूर डालनी है, ठीक है। तो ऐसे अपने जो बराबर बराबर शेयरिंग कर रहे थे करते चले गए, तो यहाँ नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ और दो दस हो गए या नहीं हो गए। yes, ठीक है, आपको और कोई केस में ऐसी दिक्कत नहीं है, बस वो सेकंड पीरियड वाले केस में एक बार नजर डाल लिया करो, ठीक है, देख लिया करो कि कहीं उसका ऑक्टेट एक्सपेंड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऑक्टेट जब एक्सपेंड होने लगे तो आपके पास मजबूरी में फिर कौन से बॉन्ड की हेल्प लेनी है, कोऑर्डिनेट की लेनी है, तो कोऑर्डिनेट वाले पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा नाइट्रोजन लिखो, यहाँ डबल बॉन्ड सॉरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में वही पांच इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, दिखा दो चुपचाप, दिखा दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या करो, अब आप दिखाओ तीन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ छह दिखाए, यहाँ आप छह दिखाओ, लेकिन मैं जानबूझ के इस तरीके से लिख रहा हूँ उनको, सॉरी, यहाँ दिखा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ एक ऑक्सीजन वो है जिसके ऊपर छह की बजाय आपने कितने इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं, सात, तो हो गया माइनस वन। अब इसको दो की, इसको एक की जरूरत है, पहले सिंगल एक वाले को निपटा दो, ये एक हो गया। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास आठ हो गए, इसके पास छह हो गए। अब छह के बाद अभी भी ये दो बराबर बराबर शेयरिंग कर सकता है, तो इसके साथ दो बराबर वाली शेयरिंग कर दो, तो इसके भी आठ हो गए। अब इसके कितने हो गए, आठ हो गए, लेकिन अब अभी भी आपको इसका ऑक्टेट पूरा करना है, तो अब क्या करोगे आप लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प लोगे, इसको आप सीधा सीधा कोऑर्डिनेटली इसको डोनेट कर दोगे, ठीक है, इसको सीधा सीधा कोऑर्डिनेटली इसके साथ शेयर कर दोगे, डोनेट कर दोगे, तो अब सराउंडिंग इस वाले का भी ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करके दिखाओगे तो आपके पास क्या सिचुएशन आएगी बोलो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O माइनस, ये तो ये वाला केस है। अब बताओ इस कोऑर्डिनेट को जब आप सिंगल से रिप्लेस करोगे, अरे सिंगल से रिप्लेस करोगे तो मैंने बताया था ना, कोऑर्डिनेट को जब सिंगल से रिप्लेस करते हैं तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे क्या हो जाता है, माइनस, माइनस। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना होगा, प्लस वन दिखाना होगा, और इस पे आपको क्या दिखाना होगा, माइनस, माइनस वन दिखाना होगा, दिखा दोगे, यस सर, बोलो भाई, यस सर, चलो अच्छी बात है। तो ये कर लोगे ना CLO3 में और NO3- में, थोड़ा सा ध्यान रखना CLO3- और NO3- में, ठीक है, NO3- yes. में, NO3- में ही ध्यान रखना है एक्चुअली, वो एक सेकंड पीरियड वाले केस को एक बार देख लिया करो कि सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होने पे कहीं ऑक्टेट एक्सपेंड ना कर दे रहे हो हम लोग गलती से, ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस दोबारा करना, खुद से करना, ठीक है। अब बताओ BO33- को अगर आपको शेयर करना हो तो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करोगे BO33- की, ठीक है, मान लो CO3 2- माइनस की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी है, तो पहले इसकी बताओ इसकी कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करोगे, बताओ BO33- को अपने मन बोल के बता दो ना, सीधा सीधा तो दिख रहा है, यहाँ पे कोई नॉर्मल ऑक्सीजन है इस केस में BO33- में, नो सर, सारे के सारे O- है, और O- को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, एक की, एक की जरूरत होगी, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है, तो ये दिखा दिया आप लोगों ने। अब इसके साथ क्या करोगे आप लोग, सबके ऊपर माइनस वन भी तो दिखाओगे,
अच्छा बोरोन पे कोई लोन पेयर बचेगा आपके पास? बोरोन पे कोई लोन पेयर बचेगा? कैसे बचेगा? बचेगा बोरोन है, ब्रोमीन नहीं है। बोरोन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन तो तीन दिखा दिए ना, तो बचेगा कहां से यहाँ पे? ठीक है, अब बताओ CO3 2 माइनस का केस। अब बताओ इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन कितना है और O माइनस वाला कितना है? दो O माइनस वाला, एक नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल वाले के साथ डबल बॉन्ड खींच दिया और नॉर्मल O माइनस वाले के साथ एक, दूसरे O माइनस वाले के साथ एक। अब बताओ कोई लोन पेयर बचेगा कार्बन पे? नो सर, नहीं बचेगा। तो आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है किसी के साथ कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ कोई लोन पेयर इसके साथ नहीं बच रहा है। ठीक है, बोलो। हाँ भाई, इसको बना के दिखाओ H2PO2 माइनस, इसको बनाओ जल्दी से। बनाओ, कॉपी पे बनाओ। आपके पोर्टल पे मेरा केमिकल बॉन्डिंग आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? पोर्टल पे केमिकल बॉन्डिंग आया या नहीं आया आप लोगों में? पहले था सर, बाद में सर रिमूव हो गया वहां से। केमिकल बॉन्डिंग रिमूव हो गया? अच्छा, चलो मैं आप लोगों के ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में केमिकल बॉन्डिंग अपलोड करवाता हूँ और मैं बताऊंगा कि किस लेक्चर से आगे अब देखना स्टार्ट कर दो आपको। बनाए या नहीं बनाए, मन में डिवाइड करो ना यार, किसको कितने कितने की जरूरत है बताओ। कि क्या क्या होगा यहाँ पे? दो ऑक्सीजन है और माइनस कितना है? एक, एक है तो माइनस एक है, तो एक वाले के साथ तो आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड हो दिखाओगे, एक वाले के साथ क्या है? सिंगल दिखाओगे। और दो क्या है आपके पास? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को यहाँ फॉस्फोरस से जोड़ दो, यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस से जोड़ दो, कर लोगे इसे? यस सर। तो नॉर्मल सा, अब बताओ फॉस्फोरस पे कोई लोन पेयर बचा? बोलो, नहीं बचा। इसको बना के दिखाओ आई थ्री माइनस को, आई थ्री माइनस और आई थ्री प्लस, इनको बना के दिखाओ। आई थ्री माइनस और आई थ्री प्लस, इन दो को बना के दिखाओ। जब सराउंडिंग एटम हेलोजन होते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना या हटाना किससे? सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम से, तो आपका जब आई थ्री माइनस है तो आई थ्री माइनस में सराउंडिंग भी वो आयोडीन होगा और सेंट्रल भी कौन होगा? सेंट्रल भी तो आयोडीन होगा। ठीक है, अब आप बताओ ये जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली किस आयोडीन के ऊपर है? सेंट्रल वाले पे, क्योंकि सराउंडिंग वाले हेलोजन पे नहीं जोड़ना है ना हटाना है। सेंट्रल वाला तो जो मर्जी एलिमेंट हो फिर आप उसी पे जोड़ोगे, उसी पे हटाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन किस पे? सेंट्रल, सेंट्रल वाले पे। अच्छा बताओ साइड वाले आयोडीन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? उनको तो एक एक की जरूरत है ना, और बीच वाले आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सात होने चाहिए, सात थे लेकिन आठ हो गए, और आठ हो गए इसलिए उसके ऊपर माइनस वन भी कर दोगे। अब इसका ऑक्टेट पूरा करना अपनी जिम्मेवारी है, इसका पूरा करना जिम्मेवारी है,
सराउंडिंग वाले का, तो लो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, बस ये है कि इस केस में इसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर जब लिखोगे तो कितना कितना लिखोगे? बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर दो और लोन पेयर तीन लिखोगे। ठीक है, आई थ्री प्लस बनाने जाओगे तो क्या होगा बोलो? आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सेवन। अब जो हटाना भी है तो किससे हटाओगे बताओ? बीच वाले से। तो बीच वाले पे छह की बजाय अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? सिक्स नहीं सॉरी सात की बजाय, सात की बजाय कितने हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। ठीक है, और छह हो जाएंगे और इसके ऊपर आप प्लस वन भी कर दोगे। अब आप क्या करोगे, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दोगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आप इधर शेयर कर दोगे तो कितना बॉन्ड पेयर बना? दो। बॉन्ड पेयर दो बना और सेंट्रल वाले का, लेकिन लोन पेयर भी कितना बना? दो बनेगा। अरे दो ना बना, एक ये रहा। ठीक है, और एक ये रहा। कर लोगे इसे? बोलो भाई। Yes. हाँ, एक काम करके दिखाओ मेरे को इसको जल्दी से। मुझे नहीं पता मैंने होमवर्क में आपको दिया था या नहीं दिया था। N2O को बना के दिखाओ, ये न्यूट्रल वाला केस है। N2O को बना के दिखाओ आप लोग अपनी कॉपी में और जल्दी से बनाओ। जल्दी बनाओ रख दो। इधर ध्यान दो, जुगाड़ मेथड की बात है, जुगाड़ करना आपको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के नाम पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा काम करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम ले लेते हैं। ठीक है, और जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ छह इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, इस नाइट्रोजन को तीन की जरूरत है, इस नाइट्रोजन को तीन की जरूरत है। ठीक है, तो जब इनको तीन तीन की जरूरत है तो तीन इधर शेयर कर दिए, तीन इधर शेयर कर दिए। क्या ऐसा करोगे? नो सर। ऐसा करना तो गलत ही नहीं, नलायक लिखने वाला ही काम नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप हो गया। क्यों पाप हो गया? ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया सर, सेकंड ऑक्सीजन का ऑक्टेट खतरनाक ढंग से एक्सपेंड हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक, और वैसे भी आपको इस केस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन लेना चाहिए था ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जनरल कोवेलेंसी कितनी होती है? जनरल दो होती है, और नाइट्रोजन की जो जनरल कोवेलेंसी होती है वो तीन होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प ले लेता है तो चार हो जाती है। ठीक है, अब जैसे N2O है तो N2O में आप क्या करोगे, नाइट्रोजन लिखोगे, नाइट्रोजन लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे। ठीक है, अच्छा इसमें दो बातें हैं ध्यान देने वाली, इसलिए मैं इसको अच्छे से करवा दे रहा हूँ। यहाँ नाइट्रोजन लिखा, बीच में भी नाइट्रोजन, साथ में ऑक्सीजन। इस नाइट्रोजन के पास वही है, पांच इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तीन की। इसके पास पांच है, इसके पास छह है। ठीक है, तो बताओ अगर आप यहाँ पे तीन मोन बना देते हो तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना? यस। ठीक है, अच्छा इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आप बताओ कि इसका ऑक्टेट पूरा करना है लेकिन हम बराबर वाली शेयरिंग तो कर नहीं सकते, तो अब हम किसकी हेल्प लेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प लेंगे। लो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिया। अब ऐसे करने से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा।
ठीक है। आज ही मैं टारगेट बैच को पढ़ा रहा था, उसमें उन लोगों ने यही स्ट्रक्चर बनाई। लेकिन अच्छा हाँ, जब कोऑर्डिनेट को नॉर्मल से रिप्रेजेंट करोगे तो इस पे माइनस दिखाना पड़ेगा और इस पे प्लस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप N2O वाले केस में, ठीक है, एक केस और होता है जो बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते वक्त, ठीक। एक केस आपको क्या करना था, जुगाड़ लगा के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना करनी थी आपको, कि हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। एक बात बताओ, आपने नाइट्रोजन के साथ इक्वल शेयरिंग करी तो वो काम आप ऑक्सीजन के साथ भी तो कर सकते थे, कर सकते थे ना। आवाज आ रही है मेरी आपको? सर दूसरे से नाइट्रोजन से कैसे कंप्लीट होता उसका? अभी करेंगे ना, रुको, पहले बताओ ऑक्सीजन के साथ कर सकते थे, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ करते तो आप बताओ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग के बाद, ठीक है, और इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक बराबर वाली शेयरिंग कर दो, ठीक है। अब बराबर वाली शेयरिंग के बाद इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, लेकिन अभी इसके पास कितने? 6 हैं। तो अभी भी तो एक जुगाड़ और लगाया जा सकता है। क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है? कि इस लोन पेयर को आप कोऑर्डिनेटली इसको डोनेट करवा दो। अरे भाई, जो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप ऑक्सीजन के साथ बना सकते थे, क्या वो नाइट्रोजन के साथ नहीं बनाया जा सकता? उसने कौन सा पाप कर रखा है? Yes. बोलो। Yes. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एन हो जाता, यहाँ डबल बॉन्ड ओ हो जाता, ठीक है। लेकिन इस बार जो फॉर्मल चार्ज आते वो किसके ऊपर आते? इस पे प्लस वन आता और इसके ऊपर माइनस वन आता। तो क्या एक ही मॉलिक्यूल की दो अलग अलग लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल की दो या दो से ज्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी होती है, और जो आप रेजोनेंस नाम सुनते हो, वो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो नाम सुनते हो, वो इन्हीं को बोला जाता है। जब एक मॉलिक्यूल की दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, तो वो उस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। तो ये और ये आप अगर ये बना दोगे तो ये भी सही है, ये बनाओगे तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही N2O है। ये भी बस ये है कि ये N2O की दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसी से आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आएगा, जो हम लोग आगे करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं ये, ठीक है। तो आप को ये नहीं टेंशन लेना है कि ये सही है या ये सही है, मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलो मैं आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं ये सॉरी PDF शेयर कर दूंगा। हाँ बोलो सर। बिस्मिथ की कोवेलेंसी से 5 भी चली जाती है, तो फिर सर BiCl5 क्यों नहीं पॉसिबल होता है? तुमको मैंने एक लेक्चर देखने को बोला था, मेरा इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, ठीक है, ब्रेकअप इफेक्ट वाला, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला देखा था। Yes, sir. हाँ, तो उसमें समझाया ना कि डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लगता है, जिसकी वजह से बिस्मिथ जो है वो प्लस 5 की बजाय उसका प्लस 3 ज्यादा स्टेबल हो जाता है। उसमें डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी पंगा नहीं है, उसमें जो पंगा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पंगा है, ठीक है। उसको इनर्ट पेयर हो जाता है। अरे तो उसमें वही तो समझाया है कि एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स में दूरियां बढ़ने लगती है। लेक्चर देखा है ना, जैसे 2s2p पास होते हैं, 6s और 6p के बीच में 6s आएगा, फिर 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 4p आएगा, तो दूरियां बढ़ती है। तो भैया मैंने वहां नाम भी लिया था कि दोनों का ब्रेकअप हो जाता है s और p वालों का, इस वजह से p वाले को अकेले बॉन्ड बनाना पड़ता है। उस लेक्चर को दोबारा देखो, यही तो समझाया गया उसमें, ठीक है। चलो आगे, मुझे और लेक्चर लेना। मैं आपको दो क्वेश्चन भेजी थी, मुझे आ नहीं रहा था। चलो एक बार दोबारा मेरे को सेंड करना, पर अभी तो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे देखूंगा, ठीक है। ओके सर।